और जब वो फ्री की स्पीच होती है तो आप उस पे ऐसे कमेंट्स करते हो। मोदी जी लाइव आए, देखते हैं अरे भाई ये सब क्या है, इसे गांड मत फाड़ा करो यार। क्या ट्वीट कर दिया मैंने, पकड़ कर कहां हो रहा है? अबे चूतिया बना रहे, तू चूतिया बन रहा है यार। ये कैसी चूतिया बनाने वाली बात है, ये गांड फाड़ने वाली बात है। गॉड डैम इट, शिट, ये सब क्या हो रहा है? अरे शिट, हो रहा है क्या? अरे वो मैंने बहुत पहले शायद ट्वीट किया होगा, मुझे बच्चे पसंद है। मुझे बच्चे पसंद नहीं है, मुझे बच्चे पसंद है। अच्छा एक बार इसका और मेरे इतने फेक चैनल बने हुए हैं और उनपे इतनी फेक वीडियोस आते रहते हैं। अभी एक वीडियो आई, सौरभ जोशी की गर्लफ्रेंड मेरी कोई फ्रेंड है बहुत पुरानी, तो उसकी मैंने फोटो डाल रखी अपनी फेसबुक वगैरह पे, तो उसकी मतलब डाल डूल के पता नहीं किस तरह से बना रखी है। एक एक दिन में 1-1 लाख व्यूज ले रहे हैं लोग इसके नाम पे, मेरे नाम पे वीडियो बना के, फेक चैनल बना के। इसकी एक वीडियो पे 30 मिलियन व्यूज भी हैं, मतलब मेरी वीडियो पे नहीं है 30 मिलियन, जो अपना मेन चैनल है, इसकी वीडियो पे 30 मिलियन व्यूज है, मतलब 3 करोड़ व्यूज। मेरी नहीं, मेरे फेक वाले। हाँ फेक जो भी है, तो देख के ना काफी बुरा लगता है यार, लोग फेक वीडियोज बना रहे हैं, हमारी वीडियोज में से निकाल के कुछ कुछ बना दिया, टाइटल थंबनेल चेंज मार के डाल दिया, बस वही सेम वीडियो, और उनके व्यूज आते हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ एक दिन में इतने व्यूज हमारे नहीं आते थे 1 साल पहले, 1 लाख व्यूज एक दिन में, देख के काफी बुरा लगता है, क्योंकि काफी लोग ना इतनी मेहनत करते हैं हमारी तरह व्लॉग बना रहे होंगे, आप लोग देख रहे हो, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे होंगे, बट कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं फेक वीडियोस बना के और व्यूज ले रहे हैं, फिर बाद में वो जब मोनेटाइजेशन होगा फिर चेंज कर देंगे, उनको तो फायदा हो जाएगा, और जो लोग एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं उनके व्यूज नहीं आएंगे। इस चीज पे ना यूट्यूब को कुछ करना चाहिए, बिकॉज हमको इतना टाइम नहीं होता, हम एक एक वीडियो को स्ट्राइक दें, हम एक एक चैनल को उड़वाएं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं तो देख भी नहीं पाता इतनी वीडियो, बट फिर भी आगे से आ जाती है, मैं देखता हूँ यार इतने व्यूज कैसे आ रहे हैं, यूट्यूब को पता नहीं चलता कि फेक चैनल है। जो लोग देखते हैं सबसे मेन बात व्यूअर्स, मैं कमेंट्स देखता हूँ, कमेंट्स में जेन्युइन कमेंट्स आते हैं कि बिग फैन, ये तुमने ये कर दिया, मैं कहा यार फेक चैनल है, फेक वीडियो है, फिर भी लोग लिख रहे हैं, लोगों को पता नहीं चलता। तो गाइज सिर्फ हमारे 2 चैनल हैं, सौरभ जोशी व्लॉग, सौरभ जोशी आर्ट, तो जो वीडियो सौरभ जोशी व्लॉग पे आएगी ना हमारी व्लॉग की, वही देखा करो, अदरवाइज किसी और को ओपन मत किया करो, उसको फालतू का व्यूज मिल जाएगा। और इसके भी, इसके तो बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं गेमिंग का, और पहले बता तो मैं अब फ्री फायर बिल्कुल छोड़ दी है, अब मैं बिल्कुल भी नहीं खेलता गेम वगैरह, तो मैं इसको खेलने नहीं देता, और इसके भी कोई भी चैनल नहीं है, वीडियो पे क्लिक मत किया करो, आप लोग भी देखा करो यार, सौरभ जोशी व्लॉग की वीडियो है ओरिजिनल, तो ही देखा करो। और रही बात इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम पे भी 100 से भी ज्यादा फेक अकाउंट्स हैं, मेरे भी, पीयूष के भी, सभी के ही हैं, और उनके फॉलोअर भी बढ़ रहे हैं, उनपे भी देख रहा हूँ मैं, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारा रियल अकाउंट है, तो नहीं है गाइज। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको आईडी दे दूंगा, मेरी, पीयूष की, साहिल की और ओरियो की, जो रियल आईडी है वही है। और एक और बात मेरे को सुनने में आई थी, काफी लोग मुझे बोल भी रहे थे कि तुम्हारी आईडी पे कोई तुम्हारा नंबर बांट रहा है पैसे दे के, मैंने 5,000 में तुम्हारा नंबर लिया है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज आता है 5,000 में नंबर लिया, मैं 5,000 रुपए दिए तूने, कोई कह रहा है 500 में नंबर दिया है, कोई कह रहा है 1,000 में दिया है, मतलब ये सब देख के ना मतलब इतना बुरा सा लगता है कि क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। तो गाइस इन चीजों पे बिल्कुल भी विश्वास मत करना, क्या पता कोई फेक नंबर दे, कैसा भी दे, रियल भी दे, तो इस तरह से पैसे देने की कहीं भी जरूरत नहीं है। बाकी जो भी, मैं एक सिंपल इंसान हूँ आपकी तरह, कोई हाई फाई कुछ भी नहीं है, आपने देखा होगा सिंपल लाइफ है, हाँ ग्रो कर रहा हूँ वो बात अलग है, बट मेरे को इसी तरह से रहना पसंद है, मैं आप ही की तरह हूँ, ज्यादा खोबा मत बनाया करो इन चीजों का, बाकी बस यही कहना था। सो यस गाइस, यहाँ पे सौरभ जोशी ब्लॉग से यार ये सब स्कैम्स हो रहे हैं, मतलब इनके फोन नंबर्स यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, एंड लोग इनको सीरियसली यहाँ पे खरीद भी रहे हैं। अब इस सब के ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट से जरूर बताना, एंड बढ़ते भी अगली स्टोरी की तरफ। एंड जो अगली स्टोरी है बेसिकली पीपॉय एंड मुंबई का निखिल की तरफ से आ रही। अब बेसिकली मुंबई का निखिल ने अपनी एक वीडियो में यहाँ पे बोला था कि उनको फाइजर वैक्सीन का वेट है, एंड तब जाके कोई वो वैक्सीन लेंगे। अब ये वाली चीज यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आती है, बेसिकली इसके ऊपर पीपॉय भी रिएक्ट करते हैं, एंड देखो क्या ही बोलते हैं। तो या तो आप घर में रहिए, आइसोलेटेड रहिए, या आप वैक्सीनेशन करवाइए, सरकार इतना खर्च कर रही, यू नो हाउ मच मनी हैज बीन स्पेंट
ऑन डेवलपिंग द वैक्सीनेशन, रिसर्च वैक्सीनेशन पे, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, और अब तो फ्री है। और जब वो फ्री की स्पीच होती है तो आप उस पे ऐसे कमेंट्स करते हो। मोदी जी लाए वाए देखते हैं क्या। कोविड अस्पताल बनाने से नो कमेंट्स, लेट्स गो टू द जिम। अंडरस्टूड दैट यू आर प्रीटी फ्रस्ट्रेटेड गाय एंड यू डोंट लाइक इवन अ गुड थिंग। और यार मैं भी उन लोगों में से अनभक्त नहीं है, तो जब रैलीज हुई थी मैंने बोला था कि रैलीज क्यों हो रही हैं, बट जब कोई फ्री वैक्सीन मिल रही है तो उसमें नो कमेंट्स नहीं, बोलो कि अच्छी बात है और बोलो अपने व्यूअर्स को कि भाई लो वैक्सीनेशन। उल्टा आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो 2 महीने की वेट कर रहा हूँ भाई, मैं तो फाइजर की वेट करूंगा। क्यों फाइजर की वेट करेंगे? यू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज वैक्सीन? क्या आपने बताया अपने ब्लॉग के ऊपर? अबे मुंबई का निखिल भी रिएक्ट करते हैं, देखो क्या ही बोलते हैं। सम पीपल स्टूप डाउन सो मच टू गेट सम व्यूज, जैसे कि मैंने आज व्लॉग में बोला कि मैंने कभी बोला ही नहीं कि आई डोंट ट्रस्ट इंडियन वैक्सीन। क्यों बोलूंगा मैं कि मेरे को मत मारी गई, मैं बोलूंगा, लेकिन थंबनेल में ऐसा डाल के आई डोंट ट्रस्ट इंडियन वैक्सीन, मुंबई के निखिल सेज दैट ब्ला ब्ला ब्ला, ये वैक्सीन अच्छी। अरे मैंने कब कुछ क्या बोला? और लोग भी बिलीव कर लेते जो भी ये लोग बोलते हैं, क्योंकि उनको तो कहीं ना कहीं से चिड़ मस्ती है और चुल मस्ती है ये सब हेट फैलाने की। हेट खुद फैलाते हैं और बाद में बोलते हैं कि मैं हेट फैला रहा हूँ इंडियन वैक्सीन के लिए। अरे कहाँ फैलाया? और फिर लोग बोलते हैं कि निखिल भाई स्पीकर हॉट आउट, कुछ मतलब नहीं भाई स्पीकर हॉट आउट, लोगों को बस यही सब गंदगी देखनी है और सॉरी ये सब गंदगी में मैं गिरूंगा नहीं। आई थिंक इट्स माई बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑल्सो एज अ व्लॉगर कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, उसके बारे में बात करूँ। मतलब अगर मैं सोनी कैमरे के बारे में बात कर रहा हूँ, डज दैट मीन कि आई हेट कैनन, आई हेट निकॉन, आई हेट फूजी फिल्म, इसका गलत मतलब निकालने की क्या जरूरत है? इस तरह की स्टोरीज बनाना मुझे पसंद नहीं है, ना कि मुझे व्लॉग में सब तरह की बात करना पसंद है। मैं हैप्पी को लग के अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चलता है बस अपन उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये सब चीज़ बताना जरूरी है, अपने लोगों को बोलना जरूरी है कि भाई अपन भी इंसान है, अपन को भी इससे इफेक्ट होता है। रियली मतलब आर यू डिल्यूजनल, आर यू इवन आउट ऑफ योर माइंड? आप बोल रहे हो मैं अपने वीडियो पे थंबनेल को क्लिकबेट कर रहा हूँ, एक सोशल अवेयरनेस के लिए जो मैसेज है उसको मैं क्लिकबेट करूंगा, वैक्सीन ड्राइव को एनकरेज करने के लिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसको मैं क्लिकबेट करूंगा। बॉस आपने ऑब्वियसली वर्ड्स में लिटरली नहीं बोला अपने वीडियो में कि आप इंडियन वैक्सीन पर ट्रस्ट नहीं करते, बट यू इम्प्लाइड दैट। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेइंग समथिंग लिटरली एंड इम्प्लाइंग समथिंग इनडायरेक्टली? दैट्स व्हाट यू डिड। आई विल गिव यू एन एनालॉजी। आपके घर में आग लग जाती है, आपके पास लोकल एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर, आप वो यूज नहीं करते क्योंकि आपको तो इंपोर्टेड फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। जब वो आएगा तभी आप घर की आग बुझाओगे, चाहे आप जलो, चाहे जो लोग आपके घर में आ रहे हैं वो जले, चाहे आप बाहर जाके लोगों को जलाओ। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग मैन, अंडरस्टूड दिस? थिंक लॉजिकली। मतलब कोई और एग्जाम्पल नहीं मिला? मतलब आप वैक्सीन को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कंपेयर कर रहे हो? भाई वैक्सीन के लेने ना लेने से जाने जाते हैं, कैमरा ना लेने या लेने से बस एक ब्रांड डील जाएगी, बट मे बी इन योर वर्ड्स इन योर मे बी प्रिंसिपल्स ह्यूमन लाइफ इज फार लेस इंपॉर्टेंट देन मे बी अ ब्रांड डील। दैट्स व्हाई गिविंग दैट स्टूपिड एग्जाम्पल। दैट्स व्हाई आई से लॉजिक, लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉस। कुछ भी मत बोलो, मुंह ही मत खोलो ना अगर कुछ नहीं पता हो तो। यार कैनन लिया ना लिया उससे क्या फर्क पड़ता है? ऑब्वियसली अगर तुम कैनन को नहीं ले रहे, सोनी को ले रहे हो, तो ऑब्वियसली कैनन, यू आर नॉट गिविंग एनी हेट टू कैनन, बट यहां जाने जा रही है और अगर आप तब भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे तो आप एक डंब एक्ट कर रहे हो, आप लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो। और तुम्हारे ये स्टोरीज देख के कुछ लोग कॉमेंट कर रहे हैं ऐसे, मैं शेयर करने वाला हूँ, तुम खुद ही समझो तुम्हारे इन्फ्लुएंस से क्या होता है। सो यस गाइस, इसके ऊपर मैं कोई ओपिनियन रखना नहीं चाहता क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों ही लोग सही लग रहे हैं। अब बेसिकली पीपल सर की जो बात है कि यहाँ पे सबको यहाँ पे वैक्सीनेशन ले लेनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी तरफ यहाँ पे मुंबई का निखिल जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे उनको फाइजर वैक्सीन चाहिए, तो ये उनका पर्सनल डिसीजन है कि उनको कौन सी वैक्सीन चाहिए। अब इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी गलत है, लेकिन इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं ये मुझे कमेंट से जरूर बताना। बढ़ते भी अगली स्टोरी की तरफ, जो अगली स्टोरी बेसिकली हर्ष बेनीवाल की तरफ से आ रही है। अब हर्ष बेनीवाल के यहाँ पे एक पार्टनरशिप हुआ अमेजोन की तरफ से, एंड अमेजोन पे एक सेक्शन है मिनी टीवी करके, जहाँ पे उनके एक लेटेस्ट वीडियो आई है। अब काफी ज्यादा लोग उनसे ये पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया, एंड क्या जो उनकी नई वीडियो आने वाली थी वो अब यहाँ पे मिनी टीवी पे आएगी या फिर यूट्यूब पे आएगी? अब उस सब को वो क्लैरिफाई करते हैं, देखो क्या ही बोलते हैं। काफी लोग पूछ रहे हैं कि YouTube छोड़ने की प्लानिंग चल रही है, आपने Amazon मिनी टीवी पे वीडियो डाल दी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरी YouTube पे वीडियो जैसी आती हैं वैसी ही आती रहेंगी और अच्छी स्पीड से आएंगी, उस पर मैं नहीं छोड़ रहा। इस पर भी डाल रहा हूँ मैं, उस पर भी डाल रहा हूँ मैं, दोनों पर डाल रहा हूँ, तो ज़्यादा ही कर रहा हूँ, कम नहीं कर रहा। इंजॉय करो, मज़े करो, ठीक है? तुमको देखने को मिल रहा है देखो ना, फ्री है, मज़े करो यार, लव यू गाइस। प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज, ये जेसिका वाली वीडियो नहीं है, ये दूसरी वीडियो है, ये वीडियो अलग है, वो यूट्यूब पर आएगी, तो प्लीज़ कन्फ्यूज मत हो। मुझे भी मतलब ये नहीं पता किसने मारा जेसिका को, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, पता लगेगा एडिटिंग जब खत्म होगी, तो आप देखना जब आए। पे इतना बड़ा बड़ा लिखा है बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, फिर भी बोलना जेसिका वाली है, जेसिका नहीं है जेसिका वाली। कल शूट खत्म हुआ, एडिट तो कर लूँ क्या है। सो यस गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, तो फिर मिलेंगे जल्दी से एक और नई जबरदस्त वीडियो के साथ।